ईपीएफओ के 6 करोड़ से भी अधिक सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत मिली है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए 8.5% का ब्याज दर तय किया है। ये पिछले वर्ष के बराबर ही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से इस साल ईपीएफओ के ब्याज दर में कमी हो सकती है, लेकिन ये आशंका ही निकली। श्रीनगर की बैठक में हुआ फैसला। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगावर की अध्यक्षता में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टी की बैठक 4 मार्च को श्रीनगर में हुई। इसमें इंडायरेक्ट रेट पहले के लेवल पर बनाए रखने का फैसला किया गया। अब इस फैसले पर वित्त मंत्रालय की मुहर की दरकार है, इसके बाद ही इसे अधिसूचित किया जाएगा। सबसे कम ब्याज ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-2020 में पीएफ की ब्याज दरों में कटौती कर इसे 8.5% कर दिया था। अंशधारकों को 2 किश्तों में 8.5% के ब्याज का भुगतान करने की बात कही गई, जिसमें 8.15% इन्वेस्टमेंट से और 0.35% इक्विटी से किया गया था। इससे पहले वित्त वर्ष 2018-2019 में ईपीएफ की ब्याज दर 8.65% थी, वहीं 2017-2018 में 8.55% था। वहीं वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 8.8% तय किया गया था। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।